नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जन यात्रा टीवी। सरकार ने तमाम लाइलाज बीमारियों जड़ से खत्म करने के लिए ड्रॉप चलाए, लेकिन संत कबीर नगर में अवैध कारोबार के लिए रिश्वत का ड्रॉप सीएमओ कार्यालय चला रहा है। देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अवैध हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर जाने किन के नामों से जिले में आए दिन पनप रहे हैं, और इनके सरगना कोई और नहीं बल्कि सीएमओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी हैं, जो जिले में खुलेआम लोगों को जिंदगी देने के बदले मौत बांटने का परमिशन दे रहा है। सीएमओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी राजेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो 500 की 10 नोट यानी 5,000 का रिश्वत लिया जा रहा है, और यह रिश्वत सीएमओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी से तंग आकर खुद पीड़ित व्यक्ति ने दिया और वीडियो बनाया जो वायरल हो रहा है। हालांकि अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहने वाले सीएमओ कार्यालय इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में है। वहीं अपर जिला अधिकारी ने कहा कि वायरल वीडियो के माध्यम से जानकारी हुई, सीएमओ कार्यालय में तैनात कर्मी के द्वारा किसी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के संबंध में अनुच्छेद धन की मांग की जा रही थी। इस संबंध में एक जांच टीम गठित की जा रही है और जांच कराई जाएगी, मामला सत्य पाया जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वायरल वीडियो जिला प्रशासन तक पहुंचा है, मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब सीएमओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी के द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो सामने आ चुका है, तो फिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? और क्या ये सीएमओ का बाबू जिले भर में चल रहे अवैध अस्पतालों का संरक्षण दाता है? तो फिर ये सलाखों के पीछे कब जाएगा, या फिर विभाग की लचर व्यवस्था से इससे क्लीन चिट मिलने वाला है? एक वीडियो के माध्यम से कि सीएमओ कार्यालय में तैनात एक कर्मी द्वारा किसी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के संबंध में अनुचित अनुतोष की मांग की जा रही थी, और वीडियो में यह दिख भी रहा है। तो इस संबंध में चूंकि यह मामला आज ही संज्ञान में आया है, तो इस संबंध में एक जांच टीम गठित की जा रही है और उसके द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी। अगर जाँचों उपरांत यह मामला सही पाया जाता है तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यह एक गंभीर मामला है और आपके द्वारा यह बताया गया है कि कई अस्पतालों से इस तरह की वसूली की जा रही है, तो इस संबंध में एक विस्तृत जाँच अभियान चलाया जाएगा, और ये अभियान मूलतः औचक निरीक्षण पर बेस्ड रहेगा। हम औचक निरीक्षण कराएंगे, जिसमें हम एसडीएम और तहसीलदार को भी लगाएंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो उस पर तत्काल विधिक कार्रवाई करें, और जो भी अस्पताल, नर्सिंग होम या और भी पैथोलॉजी सेंटर यहाँ चल रहे हैं, वो सभी मान्यता प्राप्त हों और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ रहे, उन्हीं को यहाँ अलाउ किया जाएगा। कोई भी अवैध तरीके से अगर संचालित इस तरह के सेंटर्स होंगे तो उस पर हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।